क्या आप एक ऐसा बिजनेस आइडिया ढूंढ रहे हैं जहां आप एक बेहद स्वादिष्ट और लाभदायक प्रोडक्ट को देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बेच सकते हैं? तो आपकी ये तलाश आज खत्म होती है, क्योंकि आज हम जिस प्रोडक्ट के बिजनेस आइडिया की बात करने वाले हैं वो हार्ट डिसीजेस से लेकर वेट लॉस में भी फायदेमंद सिद्ध हुआ है और इसकी ग्लोबल मार्केट 72.5 मिलियन डॉलर से भी ज्यादा होने के साथ साथ तेजी से बढ़ रही है। नमस्कार, मैं सुगंध आनंद आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे चैनल एंटरप्रेन्योर इंडिया टीवी में। आज हम आपको बताने वाले हैं जीआई टैग प्राप्त सुपर फूड मखाना के बिजनेस के बारे में। तो आइए जानते हैं कि कैसे बेहद गुणकारी और लाभदायक मखाने की प्रोसेसिंग की जाती है और इसका बिजनेस किस तरह से शुरू किया जा सकता है। IIT के टेक्निकल प्रोफेशनल इंडस्ट्रियल और स्किल कोर्सेज से बनिए जॉब एंड इंडस्ट्री रेडी। डाउनलोड एंटरप्रेन्योर इंडिया लाइव ऐप। नमस्कार, मेरा नाम श्रवण कुमार है। मैं फूड टेक्नोलॉजिस्ट हूं और बीटेक एमबीए करने के बाद डिफरेंट एमएनसीज में मैंने जॉब किया और जॉब करने के बाद आज मैं फाउंडर हूं सुमित्रा फूड्स इंटरप्राइजेस का। देखिए, अगर रॉ मटेरियल की बात की जाए तो रॉ मटेरियल जो है वो मखाने प्रोसेसिंग, प्राइमरी प्रोसेसिंग जो मखाने का हो रहा है उसमें रॉ मटेरियल गुर्री है आपका, और गुर्री है और उसके बाद पैकेजिंग मटेरियल है, तो वो उसी गुर्री को हम लोग प्रोसेस करते हैं, वही गुर्री पॉपिंग में जाता है। तो आपका रॉ मटेरियल गुर्री है, फिर उस पॉप्ड मखाने को हम लोग पैकेज करते हैं, तो पैकेज करने के लिए फिर पैकेजिंग मटेरियल की हमें ज़रूरत पड़ती है। बहुत ज़्यादा रॉ मटेरियल का वेरिएशन नहीं है मखाने प्राइमरी प्रोसेसिंग में। एट प्रेजेंट क्या है कि मशीन यूज़ नहीं हो रही है, सारा काम मैनुअल हो रहा है, तो पॉपिंग मशीन और पॉपिंग के बाद ग्रेडिंग मशीन की ज़रूरत होगी, फिर पैकेजिंग मशीन की ज़रूरत होगी, तो ये तीन मशीन जो है वो ज़रूरत होगी। यहाँ बात हो रही है मखाने की, कि मखाना कैसे हम लोग मखाने की प्रोसेसिंग करें, मखाना में कैसे वैल्यू एडिशन करें और मखाना को कैसे हम लोग एक्सपोर्ट करें। तो एक्चुअली मखाना क्या है ना, कि मखाना का जो एग्रीकल्चर पार्ट है, मखाना का जो प्रोसेसिंग पार्ट है, आप ऐसे समझ लीजिए कि स्टिल मखाने की प्रोसेसिंग जो है वो पूरी तरीके से मैन पावर पे ओरिएंटेड है। तो ये सिलसिला स्टार्ट होता है कि सबसे पहले मखाना जो है वो मखाना, एक इसका बोटनिकल नेम यूरेल फेरॉक्स है और इंग्लिश में इसे फॉक्स नट कहते हैं। मैं यहाँ एक और बातें जोड़ना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग इस बात को लेकर कंफ्यूज हो रहे हैं कि मखाना जो है वो कमल गट्टे से निकलता है। कमल गट्टे से नहीं निकलता है मखाना, और इसको समझाने के लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूँ कि जिस तरीके से आप सुनते हैं स्वीट पोटैटो और पोटैटो, ये दोनों दिखने में एक जैसा होता है बट दोनों डिफरेंट प्रोडक्ट है। ठीक उसी तरीके से कमल गट्टा और मखाने का जो बीज है वो एक दिखने में एक जैसा होता है बट दोनों डिफरेंट स्पीसीज हैं। मखाने का बोटनिकल नेम जो है वो यूरेल फेरॉक्स है, कमल गट्टा एक अलग प्रोडक्ट है। तो यूरेल फेरॉक्स का जो है वो एक फ्लावर होता है, वो फ्लावर जो है एक समय के बाद फल में कन्वर्ट होता है और उस फल के अंदर में लगभग 35 से 36 ऑन एन एवरेज सीड्स डेवलप होते हैं उस फल के अंदर में, और वो सीड मेच्योर्ड होने के बाद जो है फट जाता है, और फटने के बाद वो सारा सीड जो है, जिसको हम लोग ट्रेडिशनल लैंग्वेज में गुर्री बोलते हैं, ब्लैक होता है, वो पोखर के तलहट पे जा कर के जमा हो जाता है। उससे पहले क्या होता है कि ये सीड जब इमीडिएट जब वो फ्लावर फटता है फूल फल, तो वो क्या होता है कि वो मखाना मतलब तालाब के सतह पर तैरने लगता है। तालाब पे तैरते 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 फिर वो धीरे धीरे करके वो जो है वो तालाब के बेस पे चला जाता है, अब वो जमा हो जाता है। एक सर्टेन टाइम के बाद मेच्योर्ड होता है वो सीड। सीड को मैन्युअली कलेक्ट किया जाता है, मैन्युअली गांजा एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो बांस से बना होता है, उस गांजे में उसको कलेक्ट किया जाता है सीड को, और वो सीड बाहर निकाल करके फिर उस सीड जो है उसको हम लोग मैन्युअली वाश करते हैं। वाश करने के बाद जो है वो सन ड्राइंग के लिए जाता है। ये सन ड्राइंग का प्रोसेस 2-3 दिन चलता है। सन ड्राइंग के समय जब हम लोग इसको निकालते हैं सीड को, उस समय मॉइस्चर कंटेंट अप्रॉक्स 30 से 35% होता है सीड में,
और उसको हम लोग सन ड्राइंग करते हैं, और सन ड्राइंग करने के बाद जो है ये सीड रोस्टिंग के लिए जाता है। इसको 2 टाइम रोस्ट किया जाता है और उसके बाद इसका मॉइस्चर कंटेंट घट के लगभग 13-14% पे आ जाता है। तो इस तरीके से गुर्री को पॉपिंग करके और फिर उसके बाद उसकी पॉपिंग की प्रोसेस होने के बाद जो है हम लोग उसको मखाने में कन्वर्ट करते हैं। पॉप्ड मखाना जब बाहर निकलता है गुर्री से आफ्टर पॉपिंग प्रोसेस, ये सारा पॉपिंग प्रोसेस जो है मैनुअली हो रहा है। तो मैनुअल पॉपिंग में क्या होता है कि डिफरेंट शेप और साइज़ के मखाने निकलते हैं आफ्टर पॉपिंग, जिसको फिर हम लोग क्या करते हैं, सॉर्टिंग और ग्रेडिंग करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप एंड साइज। मखाना जितना बड़ा है मखाना उतना महंगा है, मखाना जितना छोटा है मखाने की वैल्यू उतनी कम है। बट एट द सेम टाइम मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि न्यूट्रिशनली मखाना छोटे मखाने में भी सेम न्यूट्रिशन है जो बड़े मखाने में है। और फिर उसकी पैकेजिंग होती है, पैकेजिंग अमूमन 2 तरह की होती है, एक बल्क पैकेजिंग होती है और एक कंज्यूमर पाउचेस बनता है। तो बल्क पैकेजिंग और कंज्यूमर पाउचेस ग्रेडिंग सॉर्टिंग और ग्रेडिंग के बाद जो है वो बनता है और फिर उसको हम लोग भारत और देश के विभिन्न मार्केट में उसको हम लोग सप्लाई करते हैं। जी इसमें कम से कम 10 लोगों की ज़रूरत पड़ती है ताकि 10 लोग जो है वो प्रॉपर वे में पॉपिंग कर पाएँ, पॉपिंग करने के बाद फिर उसको जो है सॉर्टिंग ग्रेडिंग कर पाएँ और फिर पैकेजिंग कर पाएँ। जी पॉपिंग के लिए सारे वर्कर स्किल्ड होने चाहिए, इवन पैकेजिंग के लिए भी स्किल्ड होने चाहिए। तो अनस्किल्ड आप अगर 10 में से 2-3 हो लेकिन बाकी स्किल्ड होने चाहिए। देखिए मखाने में क्या है कि उसके रेट में बहुत ज़्यादा वेरिएशन होने लगा है, और इस साल की बात करें तो इस साल मखाने के रेट में काफ़ी वेरिएशन हुआ है। लेकिन फिर भी जो मार्केट में इंटरनेशनल मार्केट और डोमेस्टिक मार्केट में जो मखाने का डिमांड है, तो मुझे लगता है कि 15-20% का तो आपको मार्जिन मिलेगा ही इसमें। आप स्टार्टिंग अगर आप माइक्रो MSME हैं तो 5,000 square feet से आप स्टार्ट कर सकते हैं। और मेरा हमेशा से ये मानना रहा है कि आप स्टार्टिंग कम से ही करें और फिर धीरे धीरे उसको जो है नीड के अकॉर्डिंग आप उसको एक्सपेंड करें। अगर इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो मुझे लगता है कि 2-3 kW में भी जो है मखाना यूनिट को चलाया जा सकता है। फिर लेकिन मैकेनाइज अगर आप करते हैं तो ये आंकड़ा बढ़ेगा। अगर कोई भी फूड प्रोसेसिंग यूनिट अगर हम भारत में लगाना चाहते हैं तो FSSI जो है वो नॉर्म्स हमको फॉलो करना होगा और FSSI लाइसेंस लेना होगा। तो फूड लाइसेंस तो बहुत ज़रूरी है, बिना फूड लाइसेंस के आप नहीं काम कर सकते हैं। आपको GST लेना होगा, GST सर्टिफिकेट भी लेना होगा। और फिर अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट लाइसेंस लेना पड़ा होगा। तो ये इन 3 सर्टिफिकेशन की बहुत ज़रूरत है इसमें। एक्चुअली इसमें काफ़ी कम इन्वेस्टमेंट के साथ हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या है मैकेनाइजेशन स्टिल, मैंने बोला भी कि मैकेनाइजेशन नहीं है। जैसे अगर हम लोग सीड जो है सीड की ग्रेडिंग करते हैं तो उसके लिए ग्रेडर वगैरह बनता है। तो मुझे लगता है कि इनिशियली 5 लाख रुपये से हम लोग प्राइमरी जो प्रोसेसिंग है और सेकेंडरी प्रोसेसिंग हम लोग कर सकते हैं। अगर जब मैकेनाइज हो जाएगा मखाना तो इससे इसमें 10-20 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट की जरूरत आएगी। फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में सोया पनीर और मैक्रोनी जैसे 100 से भी ज्यादा हाईली प्रॉफिटेबल बिजनेसेस सेटअप करने के लिए IID से जुड़े, डाउनलोड द एंटरप्रेन्योर इंडिया लाइव ऐप। मखाने का फ्यूचर बहुत ही अच्छा है ये कह सकते हैं, क्योंकि आप ऐसे समझ लीजिए कि मखाना मखाना नहीं है, मखाना सुपर फूड है। और जैसे जैसे अभी तक हो क्या रहा था कि लोग मखाना को जान नहीं रहे थे, लेकिन जैसे जैसे लोग जान रहे हैं मखाना को, उसके न्यूट्रिशनल वैल्यू को जान रहे हैं, वैसे वैसे मखाने का डिमांड काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। तो आप ऐसे समझिए कि मखाने का तो फ्यूचर ज़बरदस्त है और मखाने के वैल्यू एडेड प्रोडक्ट का फ्यूचर उससे ज़्यादा ज़बरदस्त है। और देखिए जैसे यूरोपियन कंट्रीज़ हैं ना, वो लोग क्या करते हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं फैट फ्री प्रोडक्ट के लिए, मखाना फैट फ्री प्रोडक्ट है। तो यही कारण है कि यूरोप में मखाने की डिमांड बहुत तेज़ी से बढ़ी है, अभी कनाडा में मखाने की डिमांड बहुत तेज़ी से बढ़ी है, अमेरिका मखाना जा रहा है काफ़ी अच्छे क्वांटिटी में जा रहा है। तो मुझे लगता है कि मखाने का डिमांड काफ़ी तेज़ी से बढ़ने वाला है। मुझे
बहुत खुशी होगी कि आप मखाने के बिजनेस में आएँ, क्योंकि देखिए मखाना एक ऐसा प्रोडक्ट है ना, सुपर फूड है। आपको प्राउड फील होगा कि आप एक सुपर फूड का बिजनेस कर रहे हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपको भी मखाना सेलर बनना है, मखाना को प्रोसेसिंग करना है, आइए हमसे जुड़िए। और हमसे जुड़ने के लिए आपको IID से जुड़ना होगा। तो मुझे बहुत खुशी होगी कि मैं आपके लिए कुछ कर पाऊँ। थैंक यू वेरी मच। तो आज की इस इंडस्ट्रियल डॉक्यूमेंट्री में हमने आपको मखाना प्रोसेसिंग के बारे में बताया कि किस तरह से मखाने की प्रोसेसिंग की जाती है और आपके खाने के लिए मार्केट में किस तरह से इन्हें सप्लाई किया जाता है। ऐसे ही और भी बिजनेस आइडियाज के लिए आप देखते रहें हमारा चैनल एंटरप्रेन्योर इंडिया TV, और साथ ही साथ किसी भी बिजनेस से रिलेटेड किसी भी जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.iid.org.in पर विजिट कर सकते हैं। और हाँ, ध्यान रहे, आप हमारी ऐप एंटरप्रेन्योर इंडिया लाइव को भी डाउनलोड कर सकते हैं। बिजनेस से रिलेटेड किसी भी क्वेरी के लिए आप हमारे कॉल सेंटर नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। तब तक के लिए आप देखते रहे हमारा चैनल। धन्यवाद।